नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक ट्रिक यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शिवेंद्र कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ताश का जादू। ताश आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए लोग ताश का जादू सीखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए आसान और बहुत ही बढ़िया ताश का जादू लेकर के आए हैं। इसलिए इसे पहले देखिए आप, इसके बाद वीडियो के अंत में हम बताएंगे इस जादू को आप किस तरह से आसानी से दिखा सकते हैं। दोस्तों, यह मैजिक बहुत ही पावरफुल है, इसे आप किसी को भी दिखाएंगे तो चौंक जाएंगे। देखिए, इसे हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ओके, अब जो भी मैजिक देख रहा होगा उसे हम कहेंगे कि आप कोई भी एक कार्ड चुनिए। मान लिया जाए कि वह इस कार्ड को चुना, चिड़ी का रानी है। अब इसे वापस से हम यहाँ पर डालेंगे और फिर से इस डेक को इसके ऊपर डालकर और इसे यहाँ पर हम कट मार रहे हैं। ओके, कट मार के यहाँ पर रख दिया। अब इसे अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करेंगे और एक बार फिर से इसे मिक्स कर देंगे दोनों को। ओके, अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फेस अप फेस डाउन इसे करते हुए जा रहे हैं हम। ओके, अब सिंपली हम इसे एक ही साइड फेस अप डाउन जो किए हैं उसे एक तरफ ही कर देना है। इसे हम एक ही तरफ अब कर दे रहे हैं। ओके, और फिर इसे मिक्स कर देते हैं। अब हम इसका फेस सीधा करेंगे और देखिए कि जो आप कार्ड चुने हुए थे वह कार्ड इसमें कहां पर है। ओके, तो जो कार्ड चुने थे उसका फेस नीचे की तरफ है और मेरे ख्याल से यही कार्ड होना चाहिए। देखिए, चिड़ी का रानी यही चुने हुए थे। तो दोस्तों, इस मैजिक को आप भी दिखा सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आइए आपको बताते हैं इस जादू को आप किस तरह से दिखा सकते हैं। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं इस जादू को कैसे दिखाया जाता है, क्या ट्रिक है। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि कोई भी जादू दिखाने से पहले आप देखने वाले दर्शक को मत बताइएगा आप क्या दिखाने जा रहे हैं। इस बात को आप गुप्त रखिएगा, तब देखने वाले को ज़्यादा आनंद आएगा। देखिए, इसे हम अच्छी तरह पहले मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद इसमें से हम बोले हैं कि कोई एक कार्ड आप चुन लीजिए, उस कार्ड को मैं बताऊंगा। जैसे कि इस कार्ड को वह चुन लिया, 10 का चिड़ी है। फिर इसे हम वापस यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर इसे रख देने के बाद, जैसे यहाँ देखिए 10 का चिड़ी रखे हैं और यहाँ पर यह पिंकी ब्रेक ले लेंगे हम। इसे यहाँ पर ऐसे डालते हैं और ऐसा लगता है कि सभी कार्ड को हम डाल दिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो हम उंगली डाले हुए हैं यहाँ पर उठाए हुए हल्का, और आगे से ऐसा लगेगा कि नहीं, इसे हम डाले हुए हैं। अब कट मारते हैं, कट मारते वक्त 1 2 और यहाँ जब पिंकी ब्रेक के पास का जब हम ताश हटाएंगे उस समय इसे ऐसे सीधा छोड़ देंगे। अब यहाँ डाल दिए। अब मेरा जो कार्ड चुने हुए थे वह ऊपर ही है आपका, तो इसे ऊपर ही रहने देते हैं। ओके, अब क्या करेंगे कि इसे इस हाथ में लेंगे, यहाँ 10 का जो चिड़ी है इसे ऐसे डालेंगे और फिर इसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे डालते चले जाएंगे। इस तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप इसे एक और मिक्स कर सकते हैं जो हम नहीं बताए हैं। इसे आप पहले छोड़ दीजिए ऐसे और ऐसे, इस तरह से भी मिक्स कर सकते हैं। ऐसे में भी 10 का चिड़ी नीचे ही चला जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि फेस अप डाउन करना है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह से जो है आप गिनती करते हुए फेस अप डाउन
करते जाइए, 1 2 3 4 5 फेस अप फेस डाउन, इस तरह से करते जाइए 1 2 3। अब यहाँ जो अंतिम जो कार्ड बच रहा है वह 10 का चिड़ी है, इसे हम फेस डाउन में नहीं रहने देंगे, इसे जैसे ही कार्ड एक बचेगा इसे ऊपर आने देंगे, ऊपर चला आया। अब क्या करेंगे कि इस कार्ड को हम जो फेस डाउन है, जहाँ से जो कार्ड फेस डाउन था वहाँ इस फेस ऊपर वाले को ही फेस डाउन कर देंगे ऐसे। अब सभी कार्ड का फेस डाउन हो गया है ऐसा दर्शक को लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जो आप कार्ड चुने हुए थे वह कार्ड का फेस अभी भी ऊपर है, 10 का चिड़ी का फेस अभी भी ऊपर है, इसे ऐसे ही यहाँ पर रहने देंगे। अब देखिए, कहते हैं कि इसे मिक्स कर रहे हैं, जब इसे मिक्स करेंगे फिर भी इसका फेस ऊपर ही रहेगा और बाकी सभी कार्ड का फेस नीचे रहेगा, तो ऐसे में इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब सभी कार्ड को ऐसे फैलाते हैं टेबल पर, तो वह जो कार्ड है उसका फेस नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि बाकी कार्ड का फेस हम ऊपर की तरफ किए हैं। देखिए 10 का चिड़ी है, तो यही आसान सा जादू है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप इस जादू को समझ गए होंगे, अगर आपको यह ट्रिक समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, जरूर समझ जाएंगे, बहुत ही आसान जादू है।